किले को सिर्फ एक बंदूक के लिए भेज दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, इस किले के साथ यही हुआ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जी आज है हमारा डे टू मनाली में, और हम जा रहे हैं अभी राजा कैसल जो है कुल्लू से। किधर की साइड है भाई? कुल्लू से नगर में पड़ता है वो। कुल्लू नगर में कैसल में। नगर कैसल में जो है कुल्लू में, इतनी ऊंचाई पे है कि हम आपको दिखाएंगे यहाँ अंदर जा करके। ठीक है, ये हमारा डे टू कुल्लू मनाली में। कुल्लू के अंदर है हम इस समय नगर कैसल में। इसकी फीस है 50 रुपये पर पर्सन। आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुल्लू नगर डिस्ट्रिक्ट में यह कैसल स्थापित है। नगर कैसल का इतिहास कई वर्षों पुराना है। मान्यता के अनुसार इस किले का निर्माण राजा सिद्ध सिंह ने 1460 ईस्वी में करवाया था। जी हाँ, और सत्रहवीं सदी तक राजा महाराजा इसे शाही महल तथा शाही मुखाल्य के तौर पर प्रयोग करते रहे। ये भी हम जो है अंदर एंटर कर चुके हैं, और आइए दिखाते हैं। बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन 1846 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे। फिलहाल हम बैठे हैं कैसल में। ठीक है, पीछे आप देख रहे होंगे पहाड़ियाँ, और ये मेरे पीछे जो है सामने जो है इतना अच्छा वुडन वर्क दिखा रखा है। देखिए जरा, वुडन वर्क दिखाइए। ये सब वुडन वर्क है ये सामने, इधर सब पूरी पहाड़ियाँ दिखती होंगी। मतलब बनाया कैसे होगा ये उस टाइम पर? वो भी जिस टाइम पर ना कोई सुविधा थी, मशीन्स कुछ नहीं था। यूं तो सिखों ने कई वर्षों तक इस पर राज किया, लेकिन जब अंग्रेजों का राज आया और उन्होंने कुल्लू पर लगभग पूरा राज कर लिया, तो राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसको एक अंग्रेजी मेजर को भेज दिया। तभी से ये अंग्रेजों के अंडर में आ गया। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे नीचे हम सड़क है, वहां से ऊपर आए हैं। सामने पहाड़ी है, ठीक है, उधर मनाली पड़ता है, वो सब पूरा एरिया। इधर रेस्टोरेंट है सामने, सामने रेस्टोरेंट है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन हम कितनी ऊंचाई पे हैं। ठीक है, इधर रूम्स भी अवेलेबल है। कैसल का नाम है, ठीक है, नगर कैसल। वुडन वर्क देख लीजिए यहाँ पर, और ये देखिए पीछे कितनी ऊंची पहाड़ी पर है। ये देखिए पहाड़ी पर है, कितनी ऊंची पहाड़ी पर है। ये पूरा कुल्लू में है। ठीक है, अभी हम इस कैसल का और पार्ट दिखाएंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से आपको पीछे के नज़ारे दिख रहे होंगे कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये। ठीक है,
इस महल की खूबसूरती ये है कि इसमें कहीं पर भी कीलों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ लकड़ी से और पत्थरों से बना हुआ है जो उस टाइम पर बनाया गया था। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है ये। ये पूरा कैसल का ये एरिया है। बाद में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तब भारतीय सरकार ने इसको अपने अधीन करा और इसको एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सजाया। इधर एक छोटा सा मंदिर है, जगदीपट्ट मंदिर। इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है जब आप यहाँ पर आएंगे और आप इसकी गैलरी में खड़े होंगे और कुछ देर पहाड़ियों को खड़े होकर देखेंगे, तब पहाड़ियों पर जो बादलों की परछाई पड़ती है और उससे जो नई नई तरह की आकृति बनती है उसको देखने के बाद एक अलग ही नज़ारा लगता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, मनाली आएँ तो ज़रूर कैसल घूम। इसी तरह बनी रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। मेरे चैनल कीर जोन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।